नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन कुछ खास खबरों के साथ। फरीदाबाद के भड़ाना चौक पर गंदे पानी के नाले में गिरने से व्यक्ति की गई जान, आक्रोशित लोगों ने नगर निगम के खिलाफ FIR दर्ज कराने की रखी मांग। एशियाड के 6वें दिन आज भारत को 5 मेडल, शूटिंग में 2 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते, टेनिस में 20 सिल्वर, अब तक 30 मेडल। राहुल गांधी अब कारपेंटर्स के बीच पहुंचे, आरी चलाई कुर्सी बनाना सीखा, भारत जोड़ो यात्रा से लगातार कामगारों से मिल रहे। ज्ञानवापी में 54वें दिन ASI परखेगी पत्थरों की नक्काशी, तहखाना दीवार गुबंद और छतों में मिले साक्ष्यों की बनाएंगे सूची, 6 को ASI पेश करेगी रिपोर्ट। लखनऊ में निर्माणाधीन अपार्टमेंट की मिट्टी धसी, 2 की मौत, 1.5 महीने की बच्ची और पिता की गई जान, 12 मजदूरों का रेस्क्यू, पार्किंग बनाते समय हुआ हादसा। महिला आरक्षण वाले BJP के दाव पर विपक्ष की सेंधमारी, अखिलेश के बाद राहुल ने उठाया OBC का मुद्दा, अब नए सिरे से मंथन कर रहा भगवा खेमा। रोहतक में महिला ने किया सुसाइड, भाई बोला बच्चा न होने पर ससुराल वाले करते थे तंग, 3 साल पहले की थी लव मैरिज। 15 साल की लड़की का रेप हुआ, अब माँ बनने वाली है, एक आदमी ने किया रेप, जान से मारने की धमकी दी, पेट में 7 महीने का गर्भ। 700 CCTV खंगाले तब रिपोर्ट तक पहुंची पुलिस, बच्ची को उज्जैन रेलवे स्टेशन से ऑटो में बिठाकर ले गया, रेप के बाद छोड़कर भागा। कैमूर में पर्यटक बस ट्रक में जोरदार भिड़ंत, महिला की हुई मौत, ओडिशा से 17 लोग पिंडदान, काशी घूमने निकले थे 16 घायल, 8 की हालत नाजुक। करनाल जेल में बैरक इंचार्ज को बंदी ने मारे थप्पड़, झगड़ा होने पर बीच बचाव कराने गया था वार्डर, जान से मारने की दी धमकी। यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।